पैरी। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 2.5 वीक से मैं एब्सेंट था क्योंकि भैया जी हमारा यानी पेपर चल रहा था, लेकिन जो कि सारे ग्रहण बीत चुके हैं तो आई एम बैक। तो इस वीडियो के टाइटल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। जब कॉमिक्स रिलीज होती थी तो कोई दो राय नहीं थी कि इनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर कोई भी नहीं सोचता था। लोग कॉमिक से रिलेट करना चाहते थे और सारे लोग एक जैसे होते नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा कि सुपर हीरोज भेदभाव नहीं करते हैं इस हरामखोर को छोड़ के, लेकिन इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। क्या कर सकते हैं जब आपको बनाने ही वाला रंगीन मिजाज का है। तो अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं हल्क। हाँ, नाम सुन के चौंक गए ना आप, ठीक सोच रहे हैं, हल्क ये नहीं है, पागल है क्या यार, मैं तो उसी तरह मजा ले रहा था। शुरू करते हैं आइसमैन। 1963 में जब एक्समैन सबसे पहले नजर आए तो उनके टीम में साइक्लॉप्स, बीस्ट, एंजल, मार्वल गर्ल और आइसमैन थे। साल दर साल आइसमैन कई सारे कॉमिक्स में नजर आया है अपने नए नए लुक्स के साथ। लुक्स चेंज करते करते ये कई सारे रिलेशनशिप्स भी चेंज कर चुका है, लेकिन 2015 के दौरान इसकी स्टोरी लाइन में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। जब आइसमैन का टीनेज वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ तब एक फीमेल साइकिक जीन ग्रे को पता लगा कि ये गे है। 1963 के बाद आइसमैन के अंदर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके देख के हम ये कह सकते हैं कि वो गे है। लेकिन 2015 की कॉमिक में जीन ग्रे के साथ बात करने के दौरान आइसमैन कहता है कि वह अपनी म्यूटेंट पर्सनैलिटी और गे सेक्सुअलिटी दोनों को एक साथ रख के नहीं चल सकता है और उसने अपनी पावर्स भी यूज करनी है। तो ये अपनी सेक्सुअलिटी को दबा के रखता है और एक समय तक तो ये उसके बारे में सोचता भी नहीं है। अपने आप से बात करते समय उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को भी थोड़ी अहमियत देनी चाहिए और उसके बाद से ये ऑफिशियली गे हो जाता है। नॉर्थ स्टार। इस कैनेडियन म्यूटेंट को हम नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। ये म्यूटेंट अल्फा फ्लाइट का मेंबर है और इसके साथ साथ एक्समैन कॉमिक्स में कई सालों तक अपनी पहचान बनाए रखा है। हम इस कैरेक्टर को यह भी कह सकते हैं कि ये मार्वल का सबसे पहला ऑफिशियल ओपन माइंडेड और अमीर गे कैरेक्टर है। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि इशू 51 एस्टोनिशिंग एक्समैन कॉमिक में नॉर्थ स्टार अपने हस्बैंड से शादी करता है। बाकी किसी एक्समैन की तरह ये उतना पॉपुलर तो नहीं है। अब तुम जानते ही क्यों नहीं है भाई, कौन सा पेरेंट अपने बच्चे को गे वाली कॉमिक खरीद के देगा। नॉर्थ स्टार अपनी टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसके पास बहुत ही अच्छी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड, फ्लाइट और फोटोनिक ब्लास्ट जैसी एनर्जी फायर करना। ये और इसकी टीम के मेंबर्स को जॉन ब्रायन ने 1983 में क्रिएट किया था। शुरुआती तौर पे जॉन इस टीम को क्रिएट नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इन सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया और सोचा कि ये एक्समैन से टक्कर लेंगे। तो जैसे कि उनकी मेहनत कुछ रंग ना लाई, इसकी वजह से उन्होंने इस कैरेक्टर की स्टोरी रियल करने के लिए उन्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि एक को तो कहीं का नहीं छोड़ा, सीधे गे ही बना दिया। एक्चुअल में नॉर्थ स्टार की सेक्सुअलिटी जल्द सबके सामने नहीं आई क्योंकि उस समय की एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक गे कैरेक्टर्स पे सेंसरशिप थी। बैटवुमन। एक बात क्लियर कर देता हूँ, हमें लड़कियों से कोई परेशानी नहीं है। तुम बायसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, हमको सब चलता है। आप सब बैटवुमन को तो बखूबी जानते होंगे। ये बैटगर्ल की अंगतरंग मित्र है। ये कैरेक्टर 1950s के बीच में नजर आई थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये बैटमैन की चाहत है। इसके अलावा ये भी अफवाह उड़ी थी कि बैटमैन गे है। सिडक्शन ऑफ द इनोसेंट बुक के राइटर साइकियाट्रिस्ट फ्रेडरिक वर्थमैन जी का कहना है कि कॉमिक्स का छोटे बच्चों पे कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है और स्पेशल कैरेक्टर जैसे बैटमैन और रॉबिन के रिलेशन पे उन्होंने उंगलियां भी उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों का रिलेशन होमोसेक्सुअल्स का है। इसी अफवाह को देखते हुए डीसी ने 1960s के बीच में बैटवुमन जैसी एक फीमेल को बैटमैन के करीब लाने के सोचा गया। इसके बाद इस कैरेक्टर को थोड़ी और लाइट देते हुए लीड रोल के तौर पे 2006 पे इसे दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जब 2006 में ये कैरेक्टर अपनी नई स्टोरी लाइन के साथ आई तो ये अपनी सेक्सुअलिटी ही चेंज कर चुकी थी। रीडर्स को कॉमिक्स में डाइवर्सिटी शो करने के लिए भी डीसी ने ये कदम उठाया। रिक्टर। ये कैरेक्टर 1980s के आखिरी में नजर आया था। रिक्टर एक्समैन के टाइटल्स में बेशुमार हो चुका है जिसमें एक्स फैक्टर, एक्स फोर और न्यू म्यूटेंट्स भी शामिल है। इसकी म्यूटेंट पावर है जैसे कि सेस्मिक एनर्जी जनरेट करना, जो भूकंप लाने जैसे काम करते हैं। 2009 में रिक्टर एक्स फोर्स के मेंबर शटर स्टार के साथ एक किसिंग सीन में नजर आता है और ऐसा मार्वल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई गे कपल एक दूसरे को किस करे। इसके बाद ये कैरेक्टर बहुत ही खुले मिजाज का हो गया और इसे स्ट्रेट गे मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। रिक्टर और शटर स्टार का रिलेशन इतना पॉपुलर था कि इसके राइटर पीटर डेविड को इस कॉमिक के पोर्ट्रेयल के लिए ग्लैड अवार्ड भी मिला। ग्रे मैल्किन। अगर आप मूवीज या कॉमिक्स को सिर्फ जनरली या ओकेजनली पढ़ते या देखते हैं तो आपने ग्रे मैल्किन का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये उस रोड का नाम है जहां आज चार्ल्स जेवियर्स का स्कूल है, या फिर कह सकते हैं ये केबल का स्पेस स्टेशन है। 2008 से ग्रे मैल्किन एक्समैन का नौजवान म्यूटेंट है और आप सोच रहे होंगे कि उस गली का नाम ग्रे मैल्किन के नाम पे क्यों रख दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि ग्रे मैल्किन की फैमिली ने वो जमीन खरीदी थी जहां आज चार्ल्स जेवियर्स अपना स्कूल चलाते हैं और उसकी फैमिली ने उस स्ट्रीट का नाम अपने होमोसेक्सुअल बेटे के नाम पे रख दिया।
पता करते करते पता चला कि ये कैरेक्टर 200 साल से भी ज्यादा उम्र का है। अपनी टीनेज की उम्र में ग्रे मेल्किन अपने दोस्त के साथ कुछ कांड कर रहा था, लेकिन उसके फादर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे डांटने के बाद उसके बाप ने उसे बेहोश होने तक मारा और उसे उसी जमीन में गाड़ दिया जहां चार्ल्स जेवियर्स का स्कूल है। लेकिन उसके बाप की किस्मत इतनी खराब थी कि उसके बेटे की म्यूटेंट पावर्स जाग जाती हैं और उसे जमीन के अंदर मरने से बचा लेती हैं। ग्रे मेल्किन उसी जमीन के अंदर कुछ समय के लिए हाइबरनेशन मोड में था, लेकिन वहां से निकलने के बाद वो तुरंत यंग एक्समैन का मेंबर बन चुका होता है। एनॉल ये कैरेक्टर नए एक्समैन में से है जिसके पास छिपकली जैसी पावर्स हैं। वेट, तुम्हारे घर की छिपकलियों की तरह नहीं, बड़ी छिपकलियां जैसे कोमोडन ड्रैगन जैसी। इसकी पावर्स हैं जैसे दीवारों पर क्लाइम करना, स्ट्रेचेबल टंग और बैकग्राउंड के साथ छुप जाना। यह कैरेक्टर ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि शायद ये गे हो सकता है, क्योंकि इन साहब के आइडल मेंटर और मोटिवेशन नॉर्थ स्टार हैं। और बाद में इसके राइटर से कंफर्म कर लिया गया कि ये गे है। यह कैरेक्टर ज्यादा ओपन गे नहीं है, क्योंकि हर एक कॉमिक में इसके सेक्सुअलिटी के ऊपर बात तो नहीं की जा सकती। ये गे है, लेकिन एक सुपर हीरो भी तो है। अपनी लिजर्ड जैसी बॉडी के बावजूद ये तो एक नॉर्मल लड़का ही तो है। एंजेला मेरे लिए मार्वल के सबसे कूल कैरेक्टर्स में से एक है। एंजेला को ओरिजिनली नील गेमन और टॉड मैकफ्लर ने क्रिएट किया है, जो कि इमेज कॉमिक्स के स्पॉन यूनिवर्स के कैरेक्टर हैं। लेकिन राइट्स का झगड़ा सुलझने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एंजेला की राइट्स गेमन को वापस कर दिए जाएं, और बाद में गेमन ने इस कैरेक्टर को मार्वल को बेच दिया। मार्वल कॉमिक्स में एंजेला हेवन से आई हुई एक वॉरियर है। जब उसने मार्वल ज्वाइन किया तो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ इनका एडवेंचर खत्म हो चुका था। आगे बाद में इसे ओडिन के बेबी को प्रोटेक्ट करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रोटेक्ट करते करते उसे पता चला कि यह भी तो ओडिन की बेटी ही है, और इसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है सारा, जो कॉमिक्स में इसके लवर के तौर पर भी इंट्रोड्यूस की गई है। डेडपूल इस इंसान पे तो मुझे पहले से भरोसा नहीं था। कई लोग को तो अब भी यकीन नहीं होगा कि ये गे है। एक्चुअली में ये कैरेक्टर बायसेक्सुअल है, मतलब इसे लड़कियां भी पसंद है और चिकने भी। लेकिन अपनी मूवी में डेडपूल स्ट्रेट कैरेक्टर के तौर पे नजर आया है। लेकिन इसके राइटर्स और इसके एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि डेडपूल किसी भी कैरेक्टर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा, कई ज्यादा फ्लूइड है। यानी इसकी सेक्सुअलिटी एकदम लिक्विड है, मतलब किसी भी सिचुएशन में डाल दो, ये अपनी सेक्सुअलिटी को मूड के हिसाब से चेंज करता रहता है। रायन का कहना है कि डेडपूल पैनासेक्सुअल है, यानी ऐसा शख्स जो अपनी सेक्सुअलिटी को बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अगर आपको अभी मुझ पर भरोसा नहीं है तो उसके को क्रिएटर फैबियन नाइसिएजा के मुंह से सुनिए। He can be heterosexual one day and a few days later he can believe 100% that he's not. अगर डेडपूल का मूड हो तो वो आपके साथ भी सो जाएगा, और इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रायन का कहना है कि उन्हें डेडपूल का ये डबल साइडेड फीचर पसंद है, और अब तो डेडपूल 2 में शायद कहता हूं कि डेडपूल का बॉयफ्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं देखा यार। इतने कम बजट में मूवी रिलीज होने के बावजूद भी ये हिट है। तो आप भी डेडपूल के फैन रहिए, लेकिन उसके आगे नहीं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर अब मैंने और ज़्यादा बोला तो मेरी भी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मारो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब मारो इस चैनल को यार। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाओ। भाई देखो, डेडपूल का कहना है सबको प्यार बांटो, चाहे वो जहां से भी निकले। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए। Where's your boss? PJ Explain. I can tell you exactly.